सुंदर तो तुम बहुत हो और चाल ढलन से सुशील भी लगती हो, तो घर के लिए अच्छी बहू साबित होगी तुम। लेकिन हमें ये सबसे कोनो मतलब नहीं। आपने पी पी रखी है का? बाबूजी हमें शादी करवाना चाहते थे, पीछे पड़ गए थे, शादी कर लो लो, हो गई शादी। बेटा होता तो अच्छा था। चलो कुलदेवी की जैसी इच्छा का करें। अरे गुड्डू की अम्मा, घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। अरे स्वागत की तैयारी करो, और हम तो इसका नाम भी सोच लिए हैं, शालिनी। और प्यार से हम इसे शालू बुलाएंगे। और तुम्हारे बेटा को पहला संतान पैदा हुआ है, तो वो इतना व्यस्त है कि आ नहीं सकता था एक बार देखने। अरे धंधे पानी से फुर्सत नहीं मिली होगी और का? अरे वो मुंगेर का कलेक्टर लग गया है क्या, जो फुर्सत नहीं मिली? इतना वक्त तो कलेक्टर को भी मिल जाता है। आप भी ना बस बेमतलब अपने गुडवा को पोसने लगते हैं। देख लेना अगली बार अपनी बहुरिया को बेटा ही होगा, तब तब हमारा बेटा भी यही रहेगा। ये हमारी बड़ी बेटी शालू। जब देखा ही ना ही अपने बच्चों को इतने सालों में, कैसे पहचानेंगे? अभी तक यही है, सोई नहीं आप? माँ आज जो कुछ भी हुआ है ना, हम सब भूल गए हैं, आप भी भूल जाइए। नहीं सालू, एक माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपनी संतान का अपमान नहीं। आज हमारे कारण तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा उसके लिए हमें माफ कर दो। माँ आप बेवजह अपने आप को परेशान कर रही हैं, भूल जाइए सब कुछ, कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सालू माँ, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता जो कुछ भी हुआ उसमें कोई अच्छाई छिपी हो। तुम ठीक कहती हो, एक बात कहे, आज उनका दिल दुखाकर उनका यूं अपमान देखकर हमें अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, केवल उनका मान रखने के लिए, उनका वादा रखने के लिए अपनी बिटिया को सूली पर तो नहीं चढ़ा सकते ना। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे सालू। हम जानते हैं माँ, आपके होते हुए हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए हमेशा वही करेगी जो बेस्ट होगा। हम जैसा जैसा बोलता है ना लाली, तुम ना एकदम वैसा वैसा करना। हाँ फिर देखो, जो तुम चाहता है वही होगा। मम्मी बस कितना पराठा खाएंगे आप? अरे बाबा
परोटा कोई गिन गिन कर नहीं खाता है, परोटा मन भर के खाता है लाली। मम्मी जी आप तो छे छे पराठे खा गए। तो तुम हमारा परोटा गिनता है? तो भी हम कुछ भी खाता है ना, हमारा बदन में नहीं लगता है। अभी अगर तुम हमारा परोटा गिना ना तो हम तुमको थप्पड़ मारेगा। हाँ अरे मम्मी बुनिया जाओ जाकर मेरे लिए पैनकेक लेकर आओ। और सुनो हमारे लिए ना थोड़ा सा देसी गुड़ लाना, हमको ना देसी गुड़ बहुत पसंद है। छी मम्मी देसी गुड़ डाउन मार्केट स्वीट मुझे नहीं पसंद। बुनिया मेपल सिरप लेके आना। जो भी लाना ना बेशी करके लाना। हाँ जी मैडम। अरे हाँ हाँ सिंह साहब बस हम मीटिंग में निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड्डू जी। गुड मॉर्निंग। जरा फोन दीजिए आपका। दीजिए ना। क्या बात है ललिता जी, आप हमारा फोन चेक कर रही हैं? कहीं आपको हम पर शक वक्त नहीं हो गया? मिश्रा जी पहले भगवान पर से भरोसा उठेगा फिर आप पे शक करेंगे ना। रंजू जमुनिया ये देखिए हम दोनों की तस्वीर कितनी सुंदर आई है। हमने इस फोटो को आपके फोन का वॉलपेपर बनाया है इसलिए फोन लिया था। लीजिए शक करेंगे आप पे। आप भी ना गुड्डू जी। अरे ललिता जी हम तो मजाक कर रहे थे। चलिए हम निकलते हैं। बाय शन्ना बाबू, हैव अ नाइस डे। यू टू। मम्मी नाउ आई हैव जमुनिया'स नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। अभी ना हमको ना रंजू का ताकत और रंजू का कमजोरी जमुना से पता चल जाएगा।